तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग फिर से चले आए हैं और नए एक पल्सर एलएस जो है ना, 135 एलएस था वो ही भाई 125 के रूप में आ रहा है भाई। और दिन प्रतिदिन 125 का क्रेज इतना बढ़े जा रहा है, इतना बढ़े जा रहा है। और बजाज भी कहीं ना कहीं इसको ही भाई मतलब कैप्चर करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कैप्चर करने के लिए ही पहले भाई 125 जो लॉन्च किया था पल्सर में, उसके बाद एनएस किया, उसके बाद अब एलएस भी कर रहा है, उसके बाद डिस्कवर भी आएगा, मतलब बहुत सारा कुछ ही आएगा। जो एलएस 125 आने वाला है वो तो भाई कोलंबिया में आएगा, शायद भारत में अभी लॉन्च ना हो। तो उसका रीजन बस यही है कि देखो, भारत के अंदर तो भाई एनएस और पल्सर में ही ये 125 का जो गेम है वो चलता रहेगा, और एलएस लाने के अभी कोई तो भाई मतलब होता नहीं है। हालांकि वो दोनों है, उसके प्रेजेंस में भाई एलएस को आने की शायद जरूरत नहीं है, ऐसा बजाज वालों का शायद सोचना होगा, इसीलिए इधर नहीं लॉन्च करेंगे तो बाहर में ही पहले कर देंगे। ये वही स्पेसिफिकेशन है जो स्पेसिफिकेशन के साथ भाई बजाज पल्सर एनएस जो है ना, मतलब एलएस जो है हमारे इस जगह पर, वो उस जगह पर एनएस के नाम से आया था। तो पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च हो गया था पोलैंड के अंदर, तो वही स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और देखते रहो पूरे वीडियो को। शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों आप ये देख सकते हो, जो पल्सर एलएस 125 आपके सामने ही है, उसका भाई इंजन आएगा डीटीएसआई के साथ में, फोर्ड बैल वाला इंजन, और इसके साथ साथ इसका बीएचपी होगा 11.8 बीएच एट द रेट 8500 आरपीएम के साथ में, और इसका जो टॉर्क रहने वाला है वो है 10.8 न्यूटन मीटर 7000 आरपीएम के साथ में। और इसका फ्यूल टैंक भी देख सकते हो, ये 12 लीटर के आसपास के ही होगा, और इसके साथ साथ ये क्लिप ऑन हैंडलबार के साथ ये आता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ में, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, क्लिप ऑन हैंडलबार के साथ ये आता है। और आप देख सकते हो इसके अंदर जो चेन है, चेन ओपन सिस्टम है, और इसके अंदर कोई भी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है चेन के अंदर, तो इसलिए हर 400 किलोमीटर के बाद बाद आपको साफ करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी किक स्टार्ट दिया गया है, और डिस्क ब्रेक भी है इसके अंदर, और सीबीएसई शायद मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है जब इंडिया में लॉन्च हो ये। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये माइलेज के मामले में शायद 125 सीरीज के अंदर किंग निकल के आ सकता है। इसका माइलेज 60 से 70 का हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो अदर जो पल्सर आया था उसका पावर इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी वो काफ़ी अच्छा माइलेज दे रहा था, तो इसका तो वैसे भी बहुत ही कम है, इसलिए तो इसका माइलेज ज्यादा देना तो बनता है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते होंगे कि जो पल्सर 125 एलएस जो निकला था, तो ये पोलैंड के अंदर पहले से ही भाई लॉन्च हो चुका था अक्टूबर के अंदर, पिछले ईयर जो गया था तो उस ईयर के अंदर लॉन्च हो चुका था। लेकिन भाई उस जगह पर ऐसा कुछ हुआ कि देखो, स्पेसिफिकेशन उतना कुछ ढंग का तो है नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई देखो, पल्सर इतना कुछ पावर के साथ आया, उसके बाद उसका माइलेज भी, इतना पावर होने के बावजूद भी उसका माइलेज काफ़ी बढ़िया था, तो उसके बाद जाके जो पल्सर एनएस आया, उसका माइलेज का तो अभी पता नहीं, वो फ्यूचर में शायद पता लग जाएगा। लेकिन भाई उसका, और कुछ हो या ना हो, उसका पावर उससे भी ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन भाई इस एनएस में पता नहीं भाई क्या चूरन खा के ये इसको तैयार कर दिया कि समझ रहे हो। तो पोलैंड के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि जब ये बाइक लॉन्च हुआ, उसके बाद जब लोगों ने कीमत के साथ साथ इसका स्पेसिफिकेशन देखा, तो स्पेसिफिकेशन देखने के बाद शायद उन लोगों को ऐसा ये लगा कि ये शायद वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो इसीलिए पोलैंड के अंदर शायद ये बाइक उतना खास कुछ कर नहीं पाया। तो कंपनी वालों को एक नया स्पेसिफिकेशन के साथ ये बाइक को फिर से पोलैंड के अंदर लॉन्च करना चाहिए, और इंडिया के अंदर भी भाई ऐसे तरीके से लॉन्च करो आप, देखने के बाद ना होश उड़ जाए। और KTM एक ऐसा ब्रांड है जो बजाज के साथ शेयर में है, और शेयर में रहते हुए भी उसका जो भाई 125 के अंदर भी जो BHP टॉर्क वो जेनरेट कर रहा है भाई, पल्सर क्यों नहीं कर सकता है भाई। पल्सर तो इतना एक बढ़िया ब्रांड है, लेकिन हर एक इंडियन जो बनाता है वो भाई सबसे बेहतर होता है, और किसी देश के प्रोडक्ट से भी ज्यादा। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को भाई। एक सब्सक्राइब से ना भाई मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अगर आपके दोस्त भी ऐसे तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज शेयर कर दिया करो उन दोस्तों के साथ, और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। कल फिर से एक नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। थैंक यू गाइस।